Guys, in this lecture, we will discuss some basics of industrial process control systems. First of all, the most important term is accuracy and precision. Accuracy and precision are very important concepts that are mostly understood by majority of professionals. So I will first like to clear these concepts because of their importance. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? एक्यूरेसी इसके लिए सबसे पहले थ्योरी से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. ये डायग्राम देखें आप. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट वी हैव फोर, बेसिकली चार हमारे पास तस्वीर हैं, पिक्चर्स हैं. इसमें सबसे पहले पिक्चर आप देखें जिसमें है लो एक्यूरेसी एंड लो प्रसीजन. देखिए, एक्यूरेसी का मतलब ये होगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरमेंट कर रहा है, टारगेट मेजरमेंट कर रहा है, यानी ये आपका टारगेट है सेंटर वाला. अगर उसकी मेजरमेंट्स इस टारगेट में आ रही हैं तो इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है. अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है प्रिसियन. प्रिसियन का मतलब ये होता है क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज़, के वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज हैं. अब इसमें आप देखें कि फर्स्ट जो पिक्चर है ना, वो एक्यूरेसी है. उसमें ये ब्लैक स्पॉट्स से शो करें कि ये आपकी मेजरमेंट्स है. ठीक है, आप इसमें देखें कि सारे स्पॉट्स आपके जो है वो रैंडमली बिखरे हुए हैं, यानी जब भी आप इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते हैं तो वो एक डिफरेंट सी जगह पर आ जाती है. और ये इस रेड जोन के अंदर भी बहुत कम है, सिर्फ एक है. इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट, इतनी सारी मेजरमेंट्स में से ना, ये तीन और तीन छः और एक सात मेजरमेंट्स में से, तो ये ना एक्यूरेसी है ना यहाँ प्रेसीजन है. अब आते हैं सेकेंड पिक्चर पे, टॉप राइट पे. उसमें आप देखें कि एक्यूरेसी नहीं है आपके इंस्ट्रूमेंट की, एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू को रीड नहीं कर रहा. मिसाल के तौर पर यहाँ 10 वोल्ट है तो ये कुछ 6 वोल्ट रीड कर रहा है, लेकिन इनमें प्रिसीजन है. इनकी जो सारी रीडिंग्स हैं वो करीब करीब आती हैं, तो ये हाई प्रिसीजन है, लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन है. अच्छा, अब थर्ड पे आ जाएं. थर्ड पे देखें, इसमें क्या है कि इसमें एक्यूरेसी हाई है इसमें. अच्छा, एक नाउ इन द थर्ड वन वी हैव एक्यूरेसी बट वी डोंट हैव मच प्रिसीजन. इसमें अभी भी डिस्टेंसेस काफ़ी हैं मेजरमेंट्स के अंदर ना, लेकिन ये एक्यूरेट हैं. ये इस रेड जो टारगेट है इसके अंदर लाई कर रहे हैं मैक्सिमम. और जो फाइनली फोर्थ वन अगर आप देखें बॉटम राइट के ऊपर, तो इस ये एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है इसके अंदर. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ये हमारा एक जो है, कोई भी अगर हमसे बात करे कि जी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, तो आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि एक्यूरेसी से मेरी क्या मुराद है और प्रिसीजन से जो है वो मेरी क्या मुराद है. तो अब हम थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं. इसमें बस मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, बाकी आपने देख लेना खुद ही. ये इतना सारा जो पैराग्राफ वो यही बात कर रहा है. ठीक है, एक्यूरेसी रेफर्स टू दी क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू, यानी क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हैं टू अ स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू. ठीक है, जबकि प्रिसीजन के बारे में वो क्या कहते हैं कि जी प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू आर मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर, यानी दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स आपकी जो हैं वो कितना आपस में करीब हैं, तो ये प्रिसीजन इसको कहते हैं. ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए. अब अच्छा, अब हम आते हैं रेंज ऑफ ऑपरेशन के. इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज ऑफ ऑपरेशन होती है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? एक होती है नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज. ठीक है, कि इतने से इतने रेंज के लिए ये नॉर्मल इसकी रेंज है. इसमें फिर जो लोअर रेंज होती है उसको कहते हैं लोअर रेंज वैल्यू, LRV, और जो अपर रेंज होती है उसको बोलते हैं अपर रेंज वैल्यू, URV. अच्छा, जो लोअर रेंज वैल्यू है वो नॉर्मली 0% पे हम रखते हैं. वो किसी भी स्प्लिट रेंज भी हो सकता है जिसमें आप 0% पे ना रखें, आप इसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं. जीरो जीरो एलिवेशन भी कर सकते हैं, जीरो सप्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 0% पे लोअर रेंज वैल्यू रखते हैं. और इस पे जो करंट होता है, नॉर्मली इन इंडस्ट्री वी हैव द स्टैंडर्ड ऑफ 4 to 20 mA, यानी 4 mA जो है वो आपकी लो रेंज को शो करते हैं और 20 mA आपकी अपर रेंज को शो करते हैं, यानी जो हाई रेंज होती है उसको वो 20 mA कहलाते हैं, मतलब यूज़ करते हैं हम. ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 4 to 20 mA. ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी चूंकि इंट्रोडक्शन है तो इसमें जस्ट आपको आइडिया दिया जा रहा है. तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज आपकी क्या है? लोअर रेंज और अपर रेंज के दरमियान. अच्छा, अब इनमें मार्जिन थोड़ा सा अगर हम रख लें, ठीक है, जिसमें फिर आ जाएगा अंडर रेंज और ओवर रेंज. तो जैसे इसमें -1.25%
तक हम अंडर रेंज उसको डिक्लेयर करते हैं और 105% तक उसको हम ओवर रेंज जो है वो कह सकते हैं। अगेन ये स्टैंडर्ड जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, तो ये जो हमारी जो कोर्स बुक है उसके अंदर जो है ये स्टैंडर्ड को बताया गया है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जनाब फेल सेफ कंडीशन। फेल सेफ क्या चीज़ होती है? फेल सेफ का मतलब ये होता है फेल सेफ मीन्स अगर कोई चीज़ फेल हो तो उसका सेफ मोड क्या होगा, यानी फेल सेफ मोड, यानी ये भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में जाके, सेफ्टी सिस्टम जब हम डिस्कस करेंगे इसके तो उसमें ये फेल सेफ कंडीशन हम देखेंगे। जैसे एक वेल्व है, वो अगर फेल हो जाए तो उसकी क्या फेल सेफ कंडीशन है? आया फेल टू क्लोज है, फेल टू ओपन है, या फेल टू ट्रिप है, मतलब जहाँ पे है वहीं पे है, मतलब या तो क्लोज हो जाएगा फुली या ओपन हो जाएगा फुली या जहाँ है वहीं रहेगा। तो एक ये तीन कंडीशंस नॉर्मली होती हैं, तो ये भी हम आगे फर्दर देखेंगे। तो ये फेल सेफ लो कंडीशन कि अगर फेल हो जाता है तो वो लो पे चला जाए, या फेल हाई हो जाता है तो वो हाई पे चला जाए। हाई पे जाएगा तो 21.8 मिलियम पेयर देगा, और अगर लो पे जाएगा तो 3.6 मिलियम पेयर तक जो है ना वो देगा। तो हाई एंड लो ऑपरेटिंग लिमिट्स बिटवीन विच द डिवाइस विल ऑपरेट करेक्टली, ऑपरेशन आउटसाइड दिस रेंज कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव एफर्ट्स, इक्विपमेंट माल फंक्शन एंड इवन परमानेंट डैमेज और फेलियर। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इसकी जो है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या चीज़ होती है? हिस्टेरेसिस देखें, हिस्टेरेसिस ये देखें, आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आप मिसाल के तौर पे एक ट्रांसमीटर है, उसको आप सिग्नल देते हैं, आप उसकी कैलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको आप सिग्नल देते हैं मैन्युअली, उसको देते हैं फॉर एग्जांपल आप उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं 10 बार तक, 0 से लेकर 10 बार तक, 0 से 0% हो जाएगा, 10 बार उसका 100% हो जाएगा। अब आप उसको प्रेशर देते हैं कि ये कितना पड़ता है, पहले आप 0% देंगे, फिर आप 25% देंगे, फिर 50% देंगे, फिर 75% और फिर 100%, यानी उसको 10 बार के आप स्लाइसिस कर ले, 2.5 बार, 5 बार, 7.5 बार और 10 बार तक आप उसको देंगे, ठीक है। तो उसमें एक ट्रांसमीटर का रिस्पांस होगा जिसमें वो वैल्यू को रीड करेगा। तो नॉर्मली उसका रिस्पांस ये होता है, एक लीनियर रिस्पांस है कि जितनी इनपुट दे रहे हैं उतनी आउटपुट मिल रही है। तो इसका रिस्पांस नीचे को होगा, यानी वो नॉर्मल रीडिंग से थोड़ी सी रीडिंग क्या करेगा, कम शो करेगा, यानी 5 बार को वो पढ़ रहा होगा 4.99 बार, ठीक है, या 4.98 बार, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आप उसको वापस लाते हैं, यानी 100% पे आप पहुँचे हुए हैं, आपने 10 बार दिया हुआ है, अब उसको वापस लाएंगे आप 10 बार से, उसी तरह से 75% कम करेंगे, फिर 50% कम करेंगे, फिर 25% करेंगे और 0%। तो अब वो ज़्यादा पड़ेगा, मतलब पहले अगर वो 5 बार के ऊपर 4.99 पड़ रहा था, तो जब अब ऊपर से इसको नीचे लाएंगे तो ये 5.01 बार शायद पड़ रहा हो, मतलब नॉर्मल बिहेवियर इस तरह का होता है। तो इनमें जो डिफरेंस होता है, ये जो 5.01 और 4.98 अगेंस्ट दी 5 बार लीनियर वैल्यू, इस डिफरेंस को हिस्टेरेसिस बोला जाता है। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसकी इनपुट दे रहे हैं 0 से 100% तो उसका एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, फिर जब आप राइजिंग में, इसको बोलते हैं राइजिंग, और जब आप उसका डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब उसमें आते हैं, उसकी इनपुट कम करते हैं, तो उन दोनों जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, यानी राइजिंग में और फॉलिंग, दूसरा बिहेवियर होता है फॉलिंग, यानी राइजिंग बिहेवियर और फॉलिंग बिहेवियर में एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हिस्टेरेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस कॉजेज अ डिवाइस टू शो एन इनएक्यूरेसी फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू, हाउ क्लोज द कर्व इज टू द स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन है कि आइडियली तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ना, 5 बार आपने इनपुट पे दिया तो आपको आउटपुट भी 5 बार मिल जाए, जितनी इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जब आप राइजिंग पे होते हैं तो वो थोड़ी कम वैल्यू देता है इंस्ट्रूमेंट, और जब आप फॉलिंग पे होते हैं तो वो ज़्यादा शो कर रहा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाएं आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या चीज़ होती है कि लीनियर आपने इनपुट उसको दी है एक इनपुट, तो उसकी आउटपुट भी सिस्टम की लीनियरली चेंज हो, यानी आपने 10% यहाँ पे इसको इनपुट दिया तो उसकी आउटपुट भी लीनियर चेंज हो, यानी 10% भी हो सकती है अगर स्लोप 1 है, अगर स्लोप इसकी 2 है तो 20% हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है कि स्लोप इसकी कितनी। अच्छा, अब इसमें आप इस ग्राफ को देखेंगे, ये एक है आपकी स्ट्रेट लाइन, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये आइडियल बिहेवियर नॉर्मली होता है, प्रैक्टिकली कभी भी कोई भी डिवाइस जो है ना वो लीनियर नहीं होता। उसको आप इनपुट देते हैं
जैसे एक दूसरा रिस्पॉन्स एक्चुअल रिस्पॉन्स में शो करेगा, शुरू में वो कम पड़ेगा, फिर एक थ्रेशोल्ड आया जिसके बाद उसने ज़्यादा पढ़ने शुरू कर दी। तो एक्चुअल बिहेवियर इस तरह का भी हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब ये है कि आप इनपुट जो उसको दे रहे हैं, आपकी जो आउटपुट है उस, यानी डेल्टा एक्स है, अगर आप उसको डेल्टा एक्स कर रहे हैं, इनपुट चेंज कर रहे हैं, तो आपको जो डेल्टा वाई है वो भी लीनियरली चेंज हो, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी लीनियर चेंज, अगर इनपुट में, अगर आप इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में भी लीनियर चेंज आए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी। सो लीनियरिटी एक्सप्रेसेस द डिवियंस ऑफ द एक्चुअल रीडिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन फॉर द कंटिन्यूस कंट्रोल एप्लीकेशंस। अच्छा, अब इसमें कंट्रोल में भी दो तरह के हैं, कंटिन्यूस कंट्रोल और डिस्क्रीट कंट्रोल। डिस्क्रीट कंट्रोल हम पढ़ेंगे ऑन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, जिसमें ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या कंट्रोल होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे सिंपल कंट्रोल वही है, ऑन ऑफ कंट्रोल, ऑन कर लें या ऑफ कर लें एक्चुएटर को। जैसे आपका एयर कंडीशनर है, जो नॉर्मल पुराने एयर कंडीशनर थे, अब तो VFD बेस्ड आ गए, जो जिसमें इन्वर्टर होता है, ठीक है, VFD सॉरी कह रहा हूँ, उसको ड्राइव बेस्ड आ गए, इन्वर्टर बेस्ड, जिसमें आप कहने पुराने क्या थे कि जी ऑन ऑफ, कंप्रेसर या तो चल रहा है या तो कंप्रेसर उसका बंद है, तो ऑन ऑफ कंट्रोल। तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करता रहता है, एक डेड बैंड के अंदर स्टेबल नहीं होता आपका। तो उसके अगेंस्ट क्या है, कंटिन्यूस कंट्रोल है, जिसमें आपका प्रोपोर्शनल, इंटेग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोल आ जाता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको बोलते हैं PID कंट्रोल, प्रोपोर्शनल, इंटेग्रल और डेरिवेटिव। द प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द चेंज इन द रेट ऑफ आउटपुट डिफर्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, द गेन ऑफ अ लीनियर नॉन लीनियर डिवाइस चेंजेस एज द चेंज इन आउटपुट ओवर इनपुट चेंजेस। ये देखें ना, गेन जो कि एम जिसे वो कह रहा है, वो चेंज हो जाती है डिवाइस की, मे बी क्वाड्रेटिक हो या लॉगरिथमिक हो, या मतलब उसमें कोई भी उसकी पावर हो सकती है, वन वन नहीं होगी, गेन की पावर कोई भी डिफरेंट हो सकती है। इन अ क्लोज लूप सिस्टम चेंजेस इन गेन अफेक्ट द ओवरऑल लूप डायनेमिक्स, इन एक्सट्रीम केसेस लीनियराइजेशन में भी नेसेसरी। लीनियराइजेशन क्या चीज़ होती है कि देखें, अक्सर ये होता है कि हम जो थ्योरी में भी नॉन लीनियर कंट्रोल जो होता है उसका, उसको एनालाइज करने के लिए उसको हम पहले लीनियराइज करते हैं, यानी जो कोई भी नॉन लीनियर सिस्टम होता है ना, वो किसी ना किसी एक छोटी रेंज के अंदर लीनियर होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस छोटी सी रेंज के अंदर उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, यानी उसको, फिर इसमें एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है कि गेन शेड्यूलिंग भी उसको कहते हैं, कि जिसमें हम मल्टीपल ऑपरेटिंग पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग, और हर हर ऑपरेटिंग पॉइंट पे कंट्रोलर की गेन जो है वो चेंज हो जाती, चेंज हो रही होती है, ठीक है। और वो गेन कैसे निकलती हैं, वो लीनियर एनालिसिस से आप निकाल सकते हैं, कि आप एक डोमेन के अंदर उसको लीनियराइज करें और उसकी फिर फर्दर जो है आप एनालिसिस के बाद उसकी गेंस निकालें कंट्रोलर की। खैर, वो एक एडवांस टॉपिक है, उस वो इस पे भी हम जो है थोड़ा सा इसको टच करेंगे, लेकिन एंड पे अभी सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज़ अ नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, और ये जो डायग्राम है ये इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिपीटेबिलिटी, जो कि प्रिसियन को शो करता है। कि रिपीटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट करें सेम कंडीशंस के अंदर, आपकी एम्बिएंट कंडीशन सेम है, आपका इन्वायरमेंट सेम है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आने चाहिए। दिस इज नोन एज रिपीटेबिलिटी। हाउ क्लोज अ सेकेंड मेजरमेंट इज टू दी फर्स्ट, हाउ क्लोज द सेकेंड मेजरमेंट इज टू दी फर्स्ट अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड सेम इनपुट, इनपुट भी आपकी सेम हो और ऑपरेटिंग कंडीशंस भी आपकी सेम होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक ग्राफ है जो कि आपने फीडबैक कंट्रोल में भी पढ़ा है, कि रिस्पॉन्स कैसा होता है इंस्ट्रूमेंट का। तो ये इसका एक सिंपल सा रिस्पॉन्स शो कर रहा है। आप इसमें देखें, ये है अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि इसके अंदर अंडर डैम्प्ड है, यानी इसमें ऑसिलेशंस भी हैं थोड़ी सी, अगर आप देखें इसमें ऑसिलेशंस भी है और इसमें डैम्पिंग भी हो रही है, यानी इसमें एनवेलप भी है, यानी ई की पावर माइनस समथिंग, ई की पावर माइनस टी आप कह सकते हैं, और दूसरा इसमें कॉस या साइन ओमेगा टी, जिससे भी मैं अपने मॉडलिंग करते हैं, वो दोनों चीज़ें जो हैं इसमें अवेलेबल हैं, यानी इसमें ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स भी है साइनोसाइडल और इसमें डिकेइंग भी है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पैरामीटर होते हैं, सबसे पहले होता है इसका राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है कि 10% से लेके 90% तक एक इंस्ट्रूमेंट जो है, या एक कंट्रोल सिस्टम, यानी 10 से 90% तक उसको होने में कितना टाइम लगता है, ये 10% वैल्यू है इसकी, ठीक है, इसके अगेंस्ट आपने टाइम नोट कर लेना। फिर उसके बाद 90% वैल्यू है, ठीक है, आउटपुट, उस पर टाइम नोट कर लें, T1 T2, तो उस इनको डिफरेंस कर दें, T2 माइनस T1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, राइज टाइम 10 से 90% तक। 10% किसका, आउटपुट वैल्यू का, सी नॉर्मली होता है कंट्रोल सिस्टम में, सी आउटपुट को शो कर रहा होता है, सी या वाई कह लें आप,
अच्छा, अब दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि सिस्टम सेटल हो जाता है स्टेडी स्टेट के साथ, यानी उसको डिफरेंस 2%। इसमें दो तरह के सेटलिंग टाइम भी डिफाइन होते हैं, कुछ बुक्स में 5 जो है 5% का भी कहते हैं कि 5% मार्जिन, और नॉर्मन एस नाइस की जो बुक है वो 2% का बोलती है कि 2% यानी 98%, अगर 100 वैल्यू है उसकी, स्टेडी स्टेट वैल्यू उसकी 100 है, तो 98 तक पहुँचने में जितना टाइम उसको लग जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से यहाँ तक, तो उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम। तो ये हम पढ़ेंगे आगे फर्दर के पीआईडी कंट्रोलर से इनमें क्या फ़र्क पड़ता है, कि पी को बढ़ाने से इसकी कौन कौन से पैरामीटर में चेंज आ जाती है। अच्छा, फिर एक तो सेटलिंग टाइम हो गया, राइज टाइम हो गया, फिर इसमें ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब ये होता है कि जो सेट पॉइंट होता है ना उसको कितना परसेंट उससे डिविएट करा है। जैसे आपने गेन है आप, ठीक है ना, आप सेट पॉइंट पे जाके आपको ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं रुका, ये आगे निकल गया, शूट कर गया, फिर वापस आया, आने के बाद फिर नीचे को शूट कर गया, यानी अंडर शूट कर गया। तो ये आप जो पीक वैल्यू होगी ना स्टेडी स्टेट से, इसको बोलते हैं आपका ओवरशूट। ठीक है, ओवरशूट क्या होगी कि ये वाली जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इनटू 100% ओवरशूट इसको बोलेंगे। अच्छा, फिर इसमें क्या चीज़ है, फाइनल वैल्यू है स्टेडी स्टेट की, ये वाली वैल्यू फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है आपकी, और इसमें आपका राइज टाइम भी हो गया, सेटलिंग टाइम भी हो गया। फिर एक इसमें होता है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि आपका कंट्रोल सिस्टम एक स्टेबल हो। तो उसमें फिर ये जो कन्वेंशनल है उसमें पोल निकालते हैं आप सिस्टम के, उसके पोल जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो वो डिके करेगी। अगर उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, ई की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर पॉजिटिव हो तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो वो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये एक कर्व है जो कि कंट्रोल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स बताती है। ये हम पीआईडी कंट्रोलर की जब ट्यूनिंग करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, अब बेसिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कंट्रोल। अब इसमें आप देखें कि ये एक आपके पास सिंगल ट्रेडिशनल रिवायती सिंगल लूप कंट्रोलर लगा हुआ है। इसमें क्या है कि आपके पास एक सेंसर है, ठीक है, और ये सिग्नल किसको दे रहा है, कंट्रोलर को। ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है, ये कंट्रोलर है, इसको कंट्रोलर कहलाई, पीएलसी है, ठीक है, कंट्रोलर लगा हुआ है। उसमें क्या है, एक सेट पॉइंट है, ठीक है, एसपी मीन सेट पॉइंट, और एक है प्रोसेस वेरिएबल पीवी। पीवी क्या है, सेंसर की वैल्यू। अब इन दोनों को क्या होगा, कंपैरिजन होगा कंट्रोलर के अंदर, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, और उससे एक आउटपुट जनरेट होगी जो कि फर्दर उस पर फिर पी आई या डी एक्शन उस आउटपुट के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, और फिर वो एक आउट निकलेगी, एक कंट्रोलर से एक आउटपुट निकलेगी। इसको इसको जो है ना, इसको लिटरेचर के अंदर कंट्रोल इनपुट भी कई जगहों पे कहा जाता है, लेकिन हम इसको कहेंगे मैनिपुलेटेड वेरिएबल। क्या कहेंगे हम इसको, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, जो कि आगे आपके एक्चुएटर को जाएगा। अब एक्चुएटर जो है वो फिर इन्फ्लुएंस होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा, और इसके ओपन क्लोज होने से क्या होगा, ये प्रोसेस जो है उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, यानी इस एक्चुएटर से क्या होगा, इस प्रोसेस पे इफेक्ट आएगा, तो प्रोसेस इन्फ्लुएंस होगा। और ये जो प्रोसेस पे जो इफेक्ट आएगा वो कैसे सेंस होगा, वो अगेन ट्रांसमीटर से सेंस होगा। तो ये है आपका क्लोज लूप कंट्रोल। ठीक है, ये सेंसर एसपी, एसपी माइनस पीवी एरर सिग्नल, देन उसके ऊपर पीआईडी लगा और फिर आउटपुट निकली जो कि आगे एक्चुएटर को गई, और एक्चुएटर ने फिर प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, और प्रोसेस को अगेन रीड किसने किया, सेंसर ने किया। सो एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल लूप, चूंकि ये लूप है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सर्किट एनालिसिस में भी, लूप यानी मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, तो क्लोज्ड पाथ को हम लूप कहते हैं। क्लोज पाथ इज अ लूप, अ कंट्रोल लूप इज अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम, पर्पज इज टू मेंटेन अ प्रोसेस एट अ गिवन वैल्यू। ठीक है, अब इस मिसाल के तौर पे ये प्रेशर ट्रांसमीटर आप लगा लें, इससे अगर कंट्रोल कर रहा है, यानी ये वैल्व अगर बंद होगा तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ये वैल्व ओपन होगा तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो उससे जो है ये एक प्रेशर का लूप आप कह सकते हैं, कि प्रेशर का लूप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि इसके प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। ये जो ये वाली पाइपलाइन है, ये वाले प्रोसेस की जो प्रेशर है उसको जो है ये वैल्व, डिस्चार्ज वैल्व हम कह सकते हैं, कि एक डिस्चार्ज वैल्व होगा जो इस प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल दिया है, ये और पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर फॉर मेजरमेंट। तो ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, यानी ये ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को ना। पहले क्या करेगा, ये प्रोसेस को, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स के अंदर जो है ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसमीटर क्या होता है, इसके अंदर किस किस तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट इसमें भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप ये जहन में रखें कि ये इसको मेजरमेंट कर रहा है, और उस मेजरमेंट को ये 4 to 20 में कन्वर्ट कर रहा है।
क्या कर रहा है, 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे 4 to 20 का सिग्नल इधर देगा, ठीक है, फिर अंदर इसके स्केलिंग होगी जिससे वो एसपी से माइनस करेगा, फिर एक आउटपुट जनरेट होगी वो भी 4 to 20 मिली एम्पियर वाली आउटपुट जनरेट होगी। अब ये जो सारा प्रोसेस होगा ना, 4 to 20 ये कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, चूँकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें जस्ट आपको आइडिया देना है। अच्छा जी, अ कंट्रोलर टू एवेलुएट अ कंट्रोल वैल्व, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वैल्व, टू एवेल कंट्रोल वैल्व विच कैन बी चेंज्ड बाय दी कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर फिर इसको ओपन या क्लोज करेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल द कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर सेलेक्ट सम मैनिपुलेटेड वेरिएबल विच कैन बी पेयर्ड विद अ कंट्रोल वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर देख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है आगे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। ऑफन द चॉइस इज ऑब्वियस सच एज द मैनिपुलेटिंग द फ्लो ऑफ द फ्यूल टू अ होम फर्नेस टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ हाउस, ठीक है, समटाइम्स द चॉइस इज नॉट सो ऑब्वियस एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय समवन हु अंडरस्टैंड्स द प्रोसेस अंडर कंट्रोल, द पेयरिंग ऑफ मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल वेरिएबल्स इज परफॉर्म एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अब देखें, एक है मैनिपुलेटेड वेरिएबल, ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो है ये कहाँ से निकला है, ये कंट्रोलर से निकला है आपके, ठीक है, उसमें फिर आपने क्या ऐड की, डिस्टर्बेंस ऐड की है, ठीक है, डिस्टर्बेंसेज जो एक्सटर्नल नॉइज़ आप कह लें, फ्रिक्शन कह लें, ये डिस्टर्बेंस होती है, वो प्रोसेस में गई और प्रोसेस से आगे आपका कंट्रोल्ड जो वेरिएबल है, ठीक है, वो आपका निकला है, इसको आप कह सकते हैं एक्चुएटर, ये जो प्रोसेस है ना ये एक्चुएटर को शो कर रहा है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो कंट्रोलर से इनपुट आई, ये डिस्टर्बेंस कही और ये कंट्रोल वेरिएबल। अच्छा, अब ये ओपन लूप सिस्टम भी है, ये भी आगे हम देखेंगे, ये एक ओपन लूप सिस्टम शो कर रहा है, अगर आप इस पर फीडबैक लगा दें तो ये क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। तो इसमें इसमें गौर करें, कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स हैं और डिस्टर्बेंसेस हैं। अच्छा, अब एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स इन एनी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर क्या है, आपका प्रोसेस है, मेजरमेंट है, एवेल्युएशन है, कंट्रोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसेस, मेजरमेंट, एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, ये चार चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसेस, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस गई आपकी, कंट्रोलर से उसको इनपुट मिली, ठीक, जो कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, उसके बाद उसमें इन्फ्लुएंस हुई आपकी आउटपुट, जिसकी मेजरमेंट है ये वैसे मेजरमेंट यहाँ भी हो सकता है, ये एरो इधर भी आ सकता है, इधर भी, ठीक है, मेजरमेंट हुई, उसको सेंस किया, ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि इवेल्युएट करना है, सेट पॉइंट से उसको माइनस करना, ठीक है, तो ये एक कंट्रोल लूप है, इसे कहते हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस, मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। अच्छा जी, प्रोसेस में क्या है कि इन जनरल प्रोसेस इज एन असेंबली ऑफ इक्विपमेंट एंड मटीरियल एंड इज रिलेटेड टू सम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और सीक्वेंस। इन केस ऑफ अ टैंक विद अ लिक्विड द लेवल ऑफ दिस लिक्विड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लो इन टू एंड आउट ऑफ द टैंक। जैसे एक टैंक है, उसका आपने लेवल मेंटेन करना है, अब उसमें एक इनकमिंग भी है टैंक के अंदर, एक आउटगोइंग भी है, और आपने क्या करना है, फिर जो इनकमिंग वेल्व है और आउटगोइंग वेल्व है, उनसे आपने लेवल को मेंटेन करना है, टैंक के लेवल को आपने मेंटेन करना है, ये हम आगे देखेंगे ये एग्जाम्पल लेवल के अंदर, कि लेवल का टैंक कंट्रोल सिस्टम कैसे जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एनी गिवन प्रोसेस कैन इन्वॉल्व डायनामिक वेरिएबल्स एंड इट मे बी डिजायरेबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम, इन मोस्ट केसेस कंट्रोलिंग वन वेरिएबल वुड बी सफिशेंट टू कंट्रोल द प्रोसेस विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ये देखें, जैसे शो भी कर रहा है कि आपका जो है ये इनकमिंग है Q1, और आपकी जो आउटगोइंग है वो है Q2, अब Q1 माइनस Q2 जो है वो शो करेगी आपकी लिक्विड लेवल को, जैसे अगर आपका Q2 कम है लेकिन Q1 ज़्यादा है, तो आपका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सेट पॉइंट से बढ़ जाएगा, तो फिर इसका हल क्या होगा, या तो आप Q1 कम करेंगे या आप Q2 बढ़ाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका Q2 ज़्यादा है और Q1 कम है, तो आपका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसका क्या सोल्यूशन है कि आप Q2 जो है ये वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो, फ्लो के बहुत सारे यूनिट्स हैं, नॉर्मली हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो होता है, यानी मीटर क्यूब पर आवर, फ्लो रेट पर आवर कह लें, पर आवर में लेते हैं, पर सेकंड भी हो सकता है, टाइम से डिवाइड करना होता है अपने वॉल्यूम को, वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं क्यूब के अंदर ना, वॉल्यूम को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको फ्लो बनता है, फ्लो, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा हुआ है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो ए के यूनिट क्या होंगे, मीटर स्केयर, और V1 के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बनता है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो Q1 भी मीटर क्यूब पर सेकंड में अगर हम अज्यूम करें और Q2 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इन दोनों के डिफरेंस से आपका जो हाइट है h वो डिटरमिन होती है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इसकी सारी कि ये कैसे इसको कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, आगे चलते हैं।
मेजरमेंट, किसकी मेजरमेंट कैसे हो रही है, ये भी हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर के। हम प्रेशर लेवल, टेम्परेचर और फ्लो के सेंसर्स जो हैं वो उनको स्टडी करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं इंडस्ट्री के। तो उसमें हम देखेंगे लेवल सेंसर किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, लेवल की हम डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, तो वो सारी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोसेस वेरिएबल इनटू एन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल बाय मीन्स ऑफ अ सेंसर और ट्रांसमीटर और बोथ। द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज द कन्वर्जन ऑफ अ डायनेमिक वेरिएबल इनटू सम प्रोपोर्शनल इंफॉर्मेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आपने इस लेवल को मेजर करके उसको एक इंफॉर्मेशन बनानी है। जैसे इस वक्त लेवल है 50%, हो सकता है कि वो 100 फुट का टैंक हो तो लेवल उसका 50 फुट हो, और फिर 50 फुट की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है 50%, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज द कन्वर्जन ऑफ अ डायनेमिक वेरिएबल इंटू सम प्रोपोर्शनल इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अदर एलिमेंट्स इन द प्रोसेस कंट्रोल लूप। तो प्रोसेस कंट्रोल लूप में चूंकि सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, देखें जितना भी कंट्रोल सिस्टम है इस वक्त इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रॉनिक है। आज से 50-60 साल पहले जो कंट्रोल सिस्टम था वो मैकेनिकल था, लेकिन अब जितना भी कंट्रोल सिस्टम है हर सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक है। और इलेक्ट्रॉनिक में जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो होते हैं 4 to 20 mA के। तो अगर 50% टैंक है तो 4 से 20 को देख लें, 4 होता है 0%, उसमें फिर आप 25% 8 mA होगा, 25% 12 mA होगा, 50% 16 mA होगा, 75% और 100% क्या होगा 20 mA। तो अगर 50% लेवल है आपका, मिसाल के तौर पर 10 फुट का टैंक है तो 5 फुट आ रहा है आपका, तो वो कितना देगा, वो देगा 12 mA, यानी 50% की रेंज है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे निकालते हैं, इसको स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी। इवेल्युएशन, जिसमें आप सेट पॉइंट से पीवी को माइनस करेंगे। इन द इवेल्युएशन स्टेप ऑफ अ कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल सीक्वेंस द मेजरमेंट इज एग्जामिन्ड एंड कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड वैल्यू और सेट पॉइंट, यानी उससे माइनस होती है पीवी माइनस एसपी माइनस पीवी। द अमाउंट ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल, यानी जो एरर सिग्नल, इसे कहते हैं एरर सिग्नल, ये फिर आगे मल्टीप्लाई होता है प्रोपोर्शनल इंटेग्रल या डेरिवेटिव गेन से। जो भी आपने कंट्रोल लगाया, आपने पी कंट्रोल लगाया, पी आई लगाया है, पी अलहदा भी लग जाता है, अकेला आई भी अकेला लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में कॉम्बिनेशंस यूज़ होती हैं, पी आई पी डी या पी आई डी कंट्रोलर, ये कॉम्बिनेशन में जो है ना वो यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसमें द अमाउंट ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल इज डिटरमाइंड। अ कंट्रोलर इज़ यूज्ड फॉर दिस एवेल्युएशन। दिस कंट्रोलर कैन बी न्यूमेटिक। अच्छा, इसको वर्ड सही बोलना है, इसको पैनामेटिक नहीं बोलना, इंडस्ट्री में कुछ लोग इसको पैनामेटिक भी बोलते हैं, पी बोलते हैं, तो पी साइलेंट इसका है, पैनामेटिक नहीं इसको बोलना, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड वुड बी माउंटेड इन अ पैनल। इट इट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जो कि डीसीएस सिस्टम, आपके सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, इन विच केस द कंट्रोल फंक्शन इज परफॉर्म बाय दी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपका ये सारा काम कर रहा होता है, आपका सॉफ्टवेयर आपका जो है, जो इसके अंदर लैडर यूज़ हो रही है, लॉजिक्स 5000 भी हो सकता है, आरएस लॉजिक्स 5000 है, फिर इसमें जो है एक होता है आपकी डिफरेंट पीएलसी का डिफरेंट है, जैसे एक जो कॉन्सेप्ट है जो मॉडिकॉन में यूज़ होते हैं, वो कॉन्सेप्ट एक सॉफ्टवेयर है वो उसमें यूज़ होता है, मिट्सुबिशी का भी सॉफ्टवेयर है, फिर उसके अलावा हर ब्रांड के अपने जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, वो उसमें हो सकता है ये एवेल्यूशन परफॉर्म। अच्छा, कंट्रोल, द कंट्रोल एलिमेंट इन अ कंट्रोल लूप हैज़ द मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्रोसेस, ठीक है। इट रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर एंड ट्रांसमिट्स दिस टू अ प्रोपोर्शनल ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेस। इन मोस्ट केसेस द फाइनल एलिमेंट इज़ अ कंट्रोल वैल्व, ठीक है। कंट्रोल वैल्व भी हो सकती है, ये एक्चुएटर होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी इसको बोलते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। ये कंट्रोल वैल्व भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है जिसकी आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, वैल्व होता है, मोटर होती है, और कोई एक्चुएटर जिसमें कोई मतलब एक्चुएशन वाला, यानी फोर्स जिसके अंदर एक्चुएशन का फ्रामिनन हो, तो वो होते हैं बेसिकली। अदर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंप, पंप भी होता है, डैम्पर, ये डैम्पर जो होते हैं ना ये वेंटिलेशन डक्ट्स में यूज़ होते हैं, कि जो एयर के फ्लो को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं डैम्पर। ये भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। लूअर्स भी इसे कहते हैं अक्सर, जो है कैनोपीज जो होती है ना इंजन वगैरह की, कैनोपी का मतलब ये होता है कि उसकी हाउसिंग, उसमें लूअर मोटर लगी होती है, जो उसकी जिसे कहते हैं, जैसे खिड़की होती है, खिड़की के आगे एक पर्दा होता है जिसको आप गोल गोल घुमाते हैं, उसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं,
उसके जो फ्लैपर्स हैं उनको वाइड ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं लूअर, लूअर मोटर। ठीक है। इन अ टिपिकल होम हीटिंग सिस्टम द कंट्रोल्ड वेरिएबल इज द रूम टेम्परेचर। अ नंबर ऑफ डिस्टर्बेंसेज कॉज द रूम टेम्परेचर टू वेरी। फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड एम्बियंट टेम्परेचर, बाहर गर्मी बहुत है, एंड नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, लोग कमरे में ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, या एक्टिविटी कोई हो रही है रूम के अंदर जिससे हीट पैदा हो रही है। द ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइंड टू मैनिपुलेट द फ्यूल फ्लो टू द फर्नेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर एट द डिजायर्ड सेट पॉइंट। द टेम्परेचर इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड फ्लो रेट इज बीइंग वेरीड। अच्छा, तो टेम्परेचर कंट्रोल आप कैसे करते हैं? फ्लो रेट से। यानी अगर आपने एक आपके पास एक जो है वो बॉयलर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें जो फ्लो ऑफ स्टीम है या फ्लो ऑफ फ्यूल है वो बढ़ा दें, ठीक है। और अगर आपने उसका टेम्परेचर कम करना है किसी चीज़ का, तो उसका फ्लो ऑफ स्टीम या फ्लो ऑफ फ्यूल आप कम कर दें, तो उसका जो है बॉयलर, तो खैर स्टीम उसकी आउटपुट होगी, तो आप फ्यूल इनपुट कह सकते हैं कि आप फ्लो को ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्लो को कम कर देंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो फ्लो और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम थ्रू फ्लो। अच्छा, आगे चलते हैं। टिपिकली मैनुअल कंट्रोल। अब इसमें देखें, मैनुअल कंट्रोल एक होता है, मैनुअल कंट्रोल एक होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि मैनुअल कंट्रोल में क्या है कि ह्यूमन इन्वॉल्व होगा, कि यहाँ पे देखें आप ये मेजरिंग डिवाइस है, ये फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, ये फ्लो मीटर लगा हुआ है जो उसको मीटर कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी लोकल इंडिकेशन है, ठीक है, लोकल, ये ट्रांसमीटर नहीं है। ट्रांसमीटर अगर ये होता तो उसने क्या करना था कि इस फ्लो को मेजर करके इसको सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज कर देना था, और यहाँ पे इंसान की जगह एक कंट्रोलर लग जाना था, ठीक है। ये जो कि मैनुअल कंट्रोल है, तो यहाँ एक पर्सन कूद गया है, उसने फ्लो अपनी आंखों से देखा है और अपने हाथों से वो कंट्रोल वेल्व को ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है मैनुअल कंट्रोल, जिसके अंदर मैनुअली एक पर्सन जो है वो, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। सो इट इज़ कंसिडर्ड यूजफुल टू रिव्यू द मैनुअल कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस एट दिस स्टेज। देर मस्ट बी एन इंडिकेशन ऑफ द प्रोसेस विच कैन बी यूज एज अ मेजरमेंट। ठीक है, जो मेजरमेंट हो रही होगी उसकी इंडिकेशन होती है। द ऑपरेटर यूजेज दिस इंडिकेशन टू डिसाइड वट चेंज इज रिक्वायर्ड। द सेट पॉइंट इज द इन द माइंड ऑफ ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर के जहन में है, दिमाग में है। द ऑपरेटर कंपेयर्स दीज टू वैल्यूज एंड चेंजेस द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस फॉर्म ऑफ कंट्रोल। इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जनाब फीडबैक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल इसको कहते हैं, कि आप फीडबैक कंट्रोल लगा देते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू ऑटोमेट द कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस इज थ्रू द फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, ये प्रोसेस है आपका डिस्टर्बेंस, ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल है और ये कंट्रोल वेरिएबल है। कंट्रोल वेरिएबल को क्या किया आपने? मेजरमेंट, ये सेंसर लगा दी, ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर ट्रांसमीटर लगा दिया। ट्रांसमीटर में क्या होता है कि सेंसिंग भी हो रही होती है और आगे फर्दर कन्वर्जन भी हो रही होती है। यानी यहाँ पे ये सेंसिंग होगी, प्रेशर है तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगी होगी जो उसको एक वोल्टेज सिग्नल में, छोटे से वोल्टेज सिग्नल आ रहे होंगे, फिर उसके अंदर एम्पलीफायर वगैरह लगे होंगे जो इसको एम्पलीफाई करके 4 to 20 mA बनाएंगे। अब ये 4 to 20 mA, फिर ये सेट पॉइंट यहाँ पे दिया जाता है, उससे कंपेयर होगा, ठीक है। उससे कंपैरिजन के बाद ये फर्दर 4 to 20 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मैनिपुलेटेड बन जाएगी क्वांटिटी, और फिर आगे ये इस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करेगा इस तरीके से ना। तो द सेंसर्स आर यूज टू मेजर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। द वैल्यू इज ट्रांसमिटेड टू द फीडबैक कंट्रोलर। द कंट्रोल मेक्स अ कंपैरिजन, जो कि पहले क्या था, ऑपरेटर के दिमाग में था, अब ये कंट्रोलर कर रहा है इसको ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेक्स दिस मेजरमेंट एंड डिजायर्ड वैल्यू विच हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंस एरर बिटवीन द दीज टू वैल्यूज। द कंट्रोलर सेंड्स अ प्रोपोर्शनल आउटपुट टू द कंट्रोल वैल्व। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे ऑन ऑफ कंट्रोल के अंदर और पीआईडी कंट्रोल के अंदर। ये इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है कि जिसमें आपका सेट पॉइंट आ गया, ये अब ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल फीडबैक कंट्रोल की से मिलती जुलती है, कि सेट पॉइंट आ गया और ये आ गया मेजर सिग्नल पीवी आ गया, SP-PV। तो वहाँ से क्या हुआ कि एरर सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ मेजर मेजर सिग्नल को वो एम कह रहा है, SP-M। अब वो एरर सिग्नल ना फिर फर्दर एम्पलीफाई होता है, PID कंट्रोलर यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो आउटपुट निकली, ये कंट्रोलर, ये सारा कंट्रोलर कहलाता है जिसमें कंपेरेटर और एम्पलीफायर लगे होंगे। और उसके बाद जनाब आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल आ गया, जो कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और ये चला गया प्रोसेस टैंक में या एक्चुएटर को, ठीक है। वहाँ पे क्या है, डिस्टरबेंस भी है ऐड हुई, और उसके बाद आपकी एक आउटपुट जनरेट हुई, और वो आउटपुट किसने दोबारा से सेंस की, सेंसर ने, और दोबारा सिग्नल दे दिया। तो इस तरह से एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपका ये बन गया है। अच्छा, अब इसमें जो है, तो बाकी जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसको हम फर्दर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।